मैं रोज का लेसन नंबर 5 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील। यह लेसन आधारित है सर जगदीश चंद्र बोस की जीवनी पर। लेसन में आने से पहले मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ कमी नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो में क्या कुछ अच्छा नहीं लगा और आप क्या कुछ चाहते हैं। इट वॉज एन इवेंट दैट सरप्राइज्ड द साइंटिफिक वर्ल्ड। यह एक घटना थी जिसने विज्ञान जगत को अचंभित कर दिया था। इट वॉज एन अनड्रीम्ड ऑफ थिंग्स। अनड्रीम्ड मतलब होता है स्वप्न से भी परे। यह स्वप्न से भी परे वस्तु थी। हियर वॉज ए मैन हु हैड बिल्ट ए यूनिक इंस्ट्रूमेंट। एक व्यक्ति था जिसने एक अद्भुत उपकरण बनाया था। एन इंस्ट्रूमेंट दैट कुड मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। एक ऐसा उपकरण जो पेड़ पौधों के ग्रोथ को, विकास को मेजर कर सकता था, नाप सकता था। हियर वॉज ए मैन हु हैड प्रूव्ड विथ हिज वंडरफुल मशीन दैट प्लांट हैव हर्ट एंड कैन फील। एक व्यक्ति था जिसने यह सिद्ध किया, साबित किया अपनी इस आश्चर्यजनक मशीन के द्वारा कि पेड़ पौधों में भी हृदय होता है और वे भी महसूस कर सकते हैं। द मशीन शोड दैट प्लांट्स हैव साइट एंड सेंस विच टेल्स देम दैट ए स्ट्रेंजर इज अप्रोचिंग। मशीन ने यह दिखाया कि पेड़ पौधों में भी दृष्टि होती है और ज्ञानेंद्री होती है, जो उनको बताती है कि कोई अनजाना उनके पास आ रहा है। योर इंस्ट्रूमेंट इज वंडरफुल थिंग्स सेड द ग्रेट मैन हु हैड कम टू द पेरिस कांग्रेस ऑफ साइंस 1900। 1900 में विज्ञान के अधिवेशन में जो महान लोग आए थे, उन लोगों ने कहा कि आपका उपकरण आश्चर्यजनक वस्तु है। दे वेयर अमेज्ड एस द इन्वेंटर शोड देम हाउ टू यूज द मशीन। वे सभी चकित रह गए, स्तंभित रह गए जब उसके आविष्कारक ने अपने मशीन को प्रयोग करने का तरीका बताया। व्हाट डू यू कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट दे आस्क्ड। उन लोगों ने पूछा कि आप इसको किस नाम से पुकारते हैं। ए क्रिस्कोग्राफ रिप्लाइड जगदीश चंद्र बोस द ग्रेट साइंटिस्ट हु हैड बिल्ट दिस वंडरफुल मशीन। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने इस उपकरण को, बल्कि इस आश्चर्यजनक उपकरण को बनाया था, उन्होंने जवाब दिया क्रिस्कोग्राफ। एंड वेयर वॉज इट मेड द साइंटिस्ट आस्क। वैज्ञानिकों ने पूछा इसे कहाँ बनाया गया। इन इंडिया वॉज द आंसर। जवाब था हिंदुस्तान में। रिप्लाई कॉस्ट ग्रेटर सरप्राइज। इस जवाब ने कुछ ज़्यादा ही आश्चर्यचकित किया या आश्चर्य का कारण बना। इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज वेल नोन फॉर इट्स ग्रेटनेस इन फील्ड ऑफ फाइन आर्ट लिटरेचर एंड फिलासफी। 19वीं शताब्दी में भारत को अच्छी तरह से जाना जाता था ललित कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में। बट इन द फील्ड ऑफ साइंस इट हैड नॉट प्रोग्रेस मच। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने अच्छा विकास नहीं किया था। सर जगदीश चंद्र बोस विथ द इन्वेंशन मेड ए नेम फॉर हिमसेल्फ एंड हिज कंट्री इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। जगदीश चंद्र बोस ने इस मशीन, इस आविष्कार के द्वारा अपना और देश का नाम विज्ञान जगत में कर दिया। बोस वॉज बॉर्न इन 1858 इन ए विलेज ऑफ बंगाल। 1858 में बोस का जन्म हुआ था बंगाल के एक गाँव में। आफ्टर स्टडिंग फिजिक्स एट द कलकत्ता यूनिवर्सिटी ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडी। उन्होंने भौतिक शास्त्र की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया था और उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में न्यूनतम स्नातक स्तर से पढ़ाई शुरू होती है, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद, मतलब स्नातक करने के बाद, इंग्लैंड गए। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज दे रिटर्न टू इंडिया एंड वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर टू फिजिक्स इन प्रेसिडेंसी ऑफ कॉलेज एट कलकत्ता। और कैम्ब्रिज से स्नातक करने के बाद वे हिंदुस्तान लौटे और उन्होंने कलकत्ता में
द प्रेसिडेंसी कॉलेज में महाध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। वैसे तो यूनिवर्सिटी में प्रवक्ता बनने के लिए या महाध्यापक बनने के लिए पीएचडी होना जरूरी होता है, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आए थे स्नातक करके, तो प्रवक्ता या महाध्यापक बने। द थ्री ईयर स्ट्रगल बिगैन बिटवीन बोस एंड द गवर्नमेंट इन विच वी ही वाज विक्टोरियस। अब यहाँ से 3 साल का संघर्ष शुरू होता है बोस के बीच और सरकार के बीच। इस संघर्ष में बोस विजयी रहे। एन इंडियन इन दोज डे ऑफ ब्रिटिश रूल यूजुअली रिसीव 2/3 ऑफ द सैलरी पेड टू द यूरोपियन प्रोफेसर। इन दिनों भारत में जब ब्रिटिश का शासन था तो जो भारतीय थे वे यूरोपियन प्रोफेसर की तुलना में 2/3 तनख्वाह पाते थे। बोस अपॉइंटमेंट वाज ए टेम्पररी वन। बोस का जो नियुक्ति थी वह अस्थायी थी। सो ही वाज गिवन ओनली हाफ द रेट ऑफ द यूरोपियन। इसलिए उनको यूरोपियन को दिए जाने वाले धनराशि का केवल आधा मिलता था। बोस वाज नॉट द मैन टू टेक दिस क्वाइटली। बोस ऐसे व्यक्तियों में से नहीं थे जो चुपचाप इसको ले लेते। ही फेल्ट दैट पीपल हु डिड द सेम अमाउंट एंड द सेम काइंड ऑफ वर्क शुड ही पेड द सेम सैलरी वॉट एवर दिस दे बिलोंग टू। उनका मानना था कि जो लोग एक समान कार्य करते हैं, एक जैसा कार्य करते हैं, एक पद पे कार्य करते हैं, उनको एक समान तनख्वाह दी जानी चाहिए। इट इज वर्थ रिमेम्बरिंग दैट डिस्कवरीज डू नॉट कम फ्रॉम द फेथफुल फॉलोअर्स एंड द यस मैन ऑफ साइंस। यहाँ यह ध्यान रखना है, याद रखना है कि जो खोजें होती हैं वह विश्वस्त अनुयायियों के द्वारा नहीं होती हैं, या विज्ञान के जो यस मैन होते हैं, हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं, उनसे नहीं होती है। दे कम फ्रॉम द डाउटर्स एंड द रिबेल्स। खोजें आती हैं संदेह करने वालों से, विद्रोह करने वालों से। बोस वाज बाई नेचर ए रिबेल। बोस तो स्वभाव से ही विद्रोही थे। ही रिफ्यूज टू टच एनी पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर 3 years। उन्होंने 3 साल तक अपनी सैलरी का, अपनी तनख्वाह का कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। इट वॉज ए क्वेश्चन ऑफ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हिज वॉज। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप हिज प्रिंसिपल्स। यह उनके आत्मसम्मान का विषय था और वे अपने उसूलों को छोड़ना नहीं चाहते थे। इन द एंड विक्टोरी वॉज हिज। आखिर में उनकी विजय हुई। बोस नाउ बिगेन द वर्क विच मेड हिम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बोस ने कार्य करना शुरू किया जिसने उनको पूरे विश्व में विख्यात कर दिया। ही हैड फ्रॉम बॉयहुड बीन इंटरेस्टेड इन एनिमल एंड प्लांट लाइफ एंड नाउ हिज वर्क इन फिजिक्स लेड हिम बैक टू हिज ओल्ड लव। बचपन से ही उनको जानवरों और पेड़ पौधों के जीवन में बेहद दिलचस्पी थी और उनके भौतिक शास्त्र के कार्यों ने उनको दोबारा उनके पुराने प्रेम के में ले गया। ही हैड नोटिस्ड दैट हिज वायरलेस रिसीवर्स शोड साइन ऑफ टायर्डनेस। उन्होंने इस बात को देखा, भापा, कि उनका जो वायरलेस रिसीवर है वह थकान के संकेत को दिखाता है। आफ्टर इट हैड बीन इन यूज्ड फॉर सम टाइम। जब इसे कुछ देर प्रयोग किया जाता है तब। बट इन सम स्ट्रेंज वे गॉट बैक इट्स पावर आफ्टर बीइंग रेस्टेड। लेकिन कुछ अनजाने तरीकों से जब इसे थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है या कार्य नहीं करता है तो यह अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेता है। हियर वॉज फूड फॉर थॉट। यह एक सोचने के लिए, यह घटना उनके सोचने के लिए एक दिशा दी, सोचने के लिए भोजन था, सोचने के लिए खुराक थी। द काइंड ऑफ थॉट्स फ्रॉम विच ग्रेट डिस्कवरी कम। यह विचारों का एक प्रकार है जहाँ से महान खोजें आती हैं। अनटिल द एंड ऑफ द मिडिल एज द वर्ल्ड वॉज लुक्ड ऑन एज वन ब्यूटिफुल यूनिटी क्रिएटेड बाई गॉड। मिडिल एज का मतलब है कि जो बीच का समय था विज्ञान के विकास का, उस बीच के समय में दुनिया के लोग भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाए गए तत्वों में एक सुंदर एकता देखते थे, पाते थे।
Men believed that everything in the world from man to rocks and stone had its place and purpose. लोगों ने विश्वास किया था, माना था कि दुनिया में जो कुछ भी है, इंसान से लेके चट्टानों तक, पत्थरों तक, सबका अपना स्थान होता है और अपना उद्देश्य होता है. The discovery of Galileo and Newton changed this world picture. Galileo और Newton के खोजों ने दुनिया की तस्वीर को बदल दिया था. Men began to study each branch of science separately in greater details and they developed several different kind of science. इंसान ने विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में गहराई से अध्ययन करना शुरू कर दिया था और इंसान ने विज्ञान की विभिन्न शाखाएं विकसित की. Bose, however, recognized a unity among all these different branches of science. Bose ने विज्ञान के इन विभिन्न शाखाओं में एक समानता को पहचाना. He realized that there was a similarity in the behavior of lifeless and living things. उन्होंने महसूस किया कि निर्जीव और सजीव के व्यवहार में एक समानता भी है. It was, however, not easy to convince others. लेकिन यह लोगों को समझा पाना मुश्किल था, आसान नहीं था. People hold on their old belief and do not like to change them. लोग अपने पुराने विचारों पे ही विश्वास किए और उसे बदलने की जरूरत नहीं महसूस किए. Bose suggested that the animal, vegetable and minerals kingdom were one and had a great deal in common. Bose ने समझाया कि पशुओं में, पेड़ पौधों में और minerals में एक समानता है और एक उनके बीच एक बड़ी समानता है और वे सभी एक ही हैं. He said that plants and metal had a life of their own and could become tired, depressed or happy. उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे या जो धातुएं होती हैं उनका भी जीवन होता है, वे भी थकते हैं, उदास होते हैं और साथ ही साथ खुश भी होते हैं. People laughed at him. लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनके ऊपर हंसे. They did not take him seriously. उन लोगों ने, वहाँ उस समय जो लोग थे, उन्हें गंभीरता से नहीं लिया. Bose knew he was right and proved it. Bose जानते थे कि वह सही है और उन्होंने ऐसा सिद्ध किया. To begin with, he designed and built a machine which recorded his finding with maximum exactness. उन्होंने जारी रखा और उन्होंने शुरू किया और एक मशीन को डिजाइन किया और साथ ही साथ बनाया भी जो उनकी खोजों को अधिकतम यथार्थता के साथ रिकॉर्ड करता था. This was the crescograph. और यह जो मशीन थी वह crescograph थी. The amazing instrument which record the growth of plant. एक आश्चर्यजनक मशीन जो पेड़ पौधों की वृद्धि को, विकास को रिकॉर्ड करती थी. It magnified the movement of the plant tissue 10,000 times and the record the reaction of plant to manure, noise and other stimuli. यह जो मशीन थी वह प्लांट के उत्कों की गतिविधियों को या उत्कों के आकार प्रकार को 10 गुना बढ़ा के दिखाती थी, 10,000 गुना बढ़ा के दिखाती थी. और इसने इसको इस चीज़ को भी रिकॉर्ड किया कि जो प्लांट होते हैं वो उर्वरक के प्रति जो क्रियाएं करते हैं उसको भी रिकॉर्ड करके दिखाया. और प्लांट आसपास जो शोरगुल होता है या दूसरे उद्दीपन होते हैं जो प्रभाव डालते हैं प्लांट पर, पेड़ पौधों पे, तो प्लांट पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी इस मशीन ने दिखाया. द क्रिस्कोग्राफ प्रूव्ड दैट बोस हैड नॉट बीन रॉन्ग. क्रिस्कोग्राफ ने यह कर दिखाया कि बोस गलत नहीं हैं. It showed that plants have hearts and are capable of feelings. इस मशीन ने शो किया, दिखाया कि पेड़ पौधों में भी हृदय होता है और वे महसूस कर पाने में समर्थ होते हैं. The crescograph indicated that plants have a keen sight and react to rays of light and wireless waves. क्रिस्कोग्राफ ने यह दिखाया, संकेत दिया कि प्लांट भी दृष्टि रखते हैं और सूर्य की जो किरणें होती हैं उसे क्रियाएं करते हैं और साथ ही साथ वायरलेस तरंगों से भी क्रियाएं करते हैं. द मशीन प्रूव दैट प्लांट हैव ए स्पेशल सेंस व्हिच टेल्स देम ऑफ द अप्रोच ऑफ स्ट्रेंजर. इस मशीन ने सिद्ध किया कि पेड़ पौधों के पास
एक विशेष ज्ञानेंद्री होती है जो उनको बताती है कि कोई अनजाना व्यक्ति उनके पास आ रहा है. द स्टोरी ऑफ दिस ग्रेट साइंटिस्ट विल नॉट बी कम्प्लीट विदाउट सम मेंशन ऑफ हिज कंसर्न ऑफ इंडिया एंड हर पीपल. इस महान वैज्ञानिक की जो कहानी है वह तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक कि इनके जो भारत के और भारत के लोगों के प्रति जो लगाव था उसके बारे में न कहा जाए. ही हैड ए डीप फेथ इन द इंटेलिजेंस ऑफ हिज कंट्रीमैन. उन्हें हिंदुस्तानियों की योग्यता पर, बुद्धिमत्ता पर गहरा विश्वास था. बोस वाज सर्टेन दैट दे वेयर एज केपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स टूडे एज देयर एंसेस्टर हैड डन इन पास्ट. बोस को इस बात का पूरा विश्वास था, पूरी तरह से निश्चित थे कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं वे उतने महान कार्य कर पाने में आज भी समर्थ हैं जैसा कि इनके पूर्वज भूतकाल में कर चुके हैं. इन एन एड्रेस ऑफ ए कन्वोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर इन नवंबर 1927, सर जगदीश चंद्र बोस स्पोक अबाउट इंडियाज ग्लोरी इन द पास्ट एंड डिक्लेयर दैट इट वॉज एक्शन एंड नॉट आइडलनेस दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोरी. 1927 में नवंबर के महीने में मैसूर यूनिवर्सिटी में एक अधिवेशन था जिसमें जगदीश चंद्र बोस ने भारत की गौरवशाली इतिहास की बात कही और घोषित किया कि यह जो गौरवशाली इतिहास था हमारे पूर्वजों का वह उनकी गतिशीलता के कारण, उनके क्रियाकलापों के कारण, उनकी मेहनत के कारण था, न कि अकर्मण्यता के कारण था. ही बिलीव दैट देयर कुड बी नो हैप्पीनेस फॉर ए सिंगल पर्सन अनलेस इट है ऑन फॉर ऑल. उनका पूरा विश्वास था कि किसी एक व्यक्ति के प्रसन्न होने से प्रसन्नता नहीं हो सकती जब तक कि प्रसन्नता हर किसी के पास न हो. एंड दिस ग्रेट साइंटिस्ट वॉन्टेड हिज कंट्रीमैन टू हैव अनडाइंग होप एंड फेथ इन द फ्यूचर. और यह महान वैज्ञानिक चाहते थे कि जो देशवासी हैं वह अमिट आशा, कभी न मरने वाली आशा, मतलब आशावान रहें और विश्वास रखें भविष्य के प्रति. अपने देशवासियों से ऐसी आशा करते थे यह महान वैज्ञानिक.